तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। यस सर, आई वुड लाइक टू से आई ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू डॉक्टर सुरेश जाधव. ही हैज एज पीपल नो ही हैज हेल्प मी टू कम आउट ऑफ सोराइसिस एंड अमेजिंग हेल्थ ही हैज गिवन टू माय फादर लास्ट 2 years ऑफ हिज लाइफ एंड इट वाज नथिंग लाइक इट. सो बिकॉज ऑफ डॉक्टर सुरेश जाधव आई ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू हिम. या थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कंटिन्यू. तो राज जी ने खुद एक्सपीरियंस किया है उनके फैमिली में, और बाद में सीखने के बाद उन्होंने लोगों के ऊपर सोसाइटी में भी इसका बहुत अच्छी तरह से, लोगों को ये क्या है, ये पैथी क्या है, ये उपचार पद्धति क्या है, तो इसके बारे में बहुत कुछ वो काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ। और बाकी की अल्टरनेटिव थेरेपी भी उसके बारे में उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए ये काम करना चाहते। अब अल्टरनेटिव थेरेपी की अब ज्यादा जरूरत हो गई है लोगों में, आप सभी को मालूम है क्या चल रहा है हेल्थ के बारे में, क्या चल रहा है सभी को मालूम है, अभी अल्टरनेटिव थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि अभी भरोसा नहीं रहा है इतने, अभी पेंडेमिक में आपने देखा है। अब मेरे एक पेशेंट की बात है कि उसको लंग का कैंसर मेटास्टेसिस था, पूरा स्प्रेड हुआ था लंग का कैंसर, और ये लंग कैंसर होने के था, इसके लिए उसको सांस लेने में दिक्कत है। तो जब थोड़ा उसका प्रॉब्लम बढ़ गया, उसको मैं हमेशा उसको बराबर रिलीफ दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, मेरे घर में रखा था इस पेशेंट को, और मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको ट्रीट कर रहा था, अच्छी जिंदगी उसकी जो लाइफ है बस अच्छी, ये 2 महीने मेरे घर पे मैं कर रहा था। डॉक्टर ने तो छोड़ दिया था उसको, डॉक्टर बोले कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, लेट हर डाई पीसफुली, तो गोली दी थी मॉर्फिन वाली कि वो सोते रही ऐसे करने के लिए, लेनी, लेकिन मैंने अपने ट्रीटमेंट से उनको हमेशा हंसते खेलते हुए रखा, 2 महीने गए, और बाद में मैंने उनके घर छोड़ा, तो घर में जब उसको तकलीफ आ गई थोड़ी सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि पूरे अंदर ये लंग्स कैंसर से भरा हुआ था, स्प्रेड हुआ है अंदर से, तो जब थोड़ी तकलीफ हो गई तो उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल वाले ने डायरेक्ट उसको कोविड करार दे दिया, कोविड बता दिया, एक्चुअली कोविड उसको नहीं था, उसकी सिर्फ ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका तो कम होने वाला था, क्योंकि उसको फाइल भी वो लोग ने दिखाई कि इसकी लंग की बीमारी है और इसके लिए इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होते जा रहा है, फिर भी उनको उनको कुछ पड़ी नहीं गया है, उन्होंने उसको कोविड में धकेल दिया, एक आंकड़ा बढ़ गया कोविड वाला, अभी उसके फायदे उनको मालूम है, तो आंकड़ा तो बढ़ा दिया, लेकिन कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि मरते वक्त उसको क्या हो गया, तो एक तो आपको मालूम है कि उसकी बॉडी, आज भी मुझे ये लगता है कि हमने इतना सब करने के बाद उसकी बॉडी क्या हो गई, लोगों को मिली नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके कायदे हैं, देखो कायदे कैसे हैं कि अगर आप सैनिटाइज कर रहे हैं तो बॉडी को सैनिटाइज करके क्यों नहीं दे रहे हमें, हमारे यहाँ क्यों हमें डरा रहे, तो ये हो गया, वो बॉडी बाद में प्लास्टिक में लपेटी हुई बॉडी आ गई। और जो कोरोना वाली नहीं है, सबको मालूम है कोरोना नहीं है, फिर भी आंकड़ा बता दिया, आंकड़ा बढ़ा दिया, उनका बढ़ाना उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या, इमोशनली हम कितने हर्ट हो रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो देखो हम लोग डरते हैं, किसी भी अभी बोल नहीं सकते क्या चलेगा हमारे बारे में, हम तो गुलामों के गुलाम, हम लोग क्या हो रहा है, ये कायदे बनाने वाले, कायदे की रखवाली करने वाले, सब जगह क्या दिख रहा है, और इसमें ये अल्टरनेटिव पैथी है जो भी है वो हमें आधार देगी, इसका सॉल्यूशन हमारे पास यही है, अल्टरनेटिव पैथी जो भी आप कर रहे हैं वो अपने को आधार मिलेगा अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, कल कोई बोलेगा यही कंपनी का वैक्सीन ले लो, हो सकता है यही कंपनी का, बताने वाले को आपको मालूम है, जो हमारे जबरदस्ती हमारे ऊपर हो जाएगी उसका कारण आपको मालूम है कि यही कंपनी का लेना है दूसरी कंपनी का नहीं, और एक डोज नहीं 2 डोज लेना, 2 डोज नहीं 3 डोज लेना, अगर कंपनी हमें ज्यादा फायदा दे रही है,
ये सब होने वाली बातें हैं, तो हमारी जनरेशन को, हमारी फैमिली को हम कैसे बचाए? कल कोई दवा वाले हड़ताल करेंगे, हमने रेमडेसिविर के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में देखा कि वैसे इसकी सट्टेबाजी जब की थी, दबाया गया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, लोगों को लूटना शुरू हुआ था। 40,000 के इंजेक्शन, जो 4,000 का इंजेक्शन 40,000 हुआ, कैसे करेंगे लोग? जिसके घर में दो दो पेशेंट है वो क्या करे? मैंने देखा कि एमआरपी रेट से ज्यादा कीमत ली जा रही है, 200 मल्टीपल 200, यानी 3 रुपए की चीज आपको 200 रुपये में एमआरपी रेट की, 3 रुपए की चीज। मैंने बिल देखे लोगों के, और इसके लिए 5-5 लाख का बिल हो रहा है, लूट चालू है सभी लोग। और हमें समझ में नहीं यार, एक्चुअली एमआरपी से ज्यादा कीमत देना गुना है, चीटिंग है, 420 है, लेकिन अपने को मालूम नहीं, हमारा इग्नोरेंस है। हम क्या करते हैं, बिल पे कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल किधर से उनके केमिस्ट से अटैच हुआ। हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल का केमिस्ट, डॉक्टर का गुनाह नहीं है इसमें। डॉक्टर दवाई लिख के दे रहे, और वो केमिस्ट से दवाई आ रही है, फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या कर रही है, दवाई पे कितने 300 पट मल्टीपल, 3 रुपये की चीज 300 रुपये में, उसमें हॉस्पिटल के बिल में, तो लूटना चालू है, उनको कुछ पड़ी नहीं है। हमें ये अपनी जनरेशन को, अपनी फैमिली को बचाना है, इसके लिए अल्टरनेटिव थेरेपी की जरूरत। तो आप लोग ये कर रहे, बहुत अच्छी बात है, इसमें अपने को अपनी सोसाइटी में इसका प्रचार होना ही चाहिए। अल्टरनेटिव पैथी जो भी है, आप एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, आपकी रेकी, प्राणी किलिंग, जो भी आप कर रहे, ये सब बातों की अभी ज्यादा जरूरत। तो आज का हमारा सब्जेक्ट जो था एक्यूप्रेशर, राज जी ने बताया एक्यूप्रेशर, और आप अभी 2-3 दिन आप जो कर रहे हैं अलग अलग थेरेपी के बाद, तो एक्यूप्रेशर एक प्राचीन साइंस है। एक्यूप्रेशर हम क्या, आपको सबको मालूम है एक्यूप्रेशर, हम कई शरीर के पॉइंट्स को दबाते हैं और उसे रिलीफ मिलता है, बरसों से चली आ रही है पद्धति है। उसका ये एडवांस में एक्यूपंक्चर भी है जो और डिटेल में काम करता है। एक्यूप्रेशर ये एनर्जी साइंस का एक छोटा बच्चा है, तो एक्यूपंक्चर उससे एडवांस है। तो उससे भी एडवांस हमारे पास और एक पैथी है जिसका नाम है सूजो। तो एक्यूप्रेशर अगर आप करते हो तो वही एक्यूप्रेशर आप सूजो में बहुत अच्छी तरह से करने वाले, क्योंकि सूजो जो पैथी उपचार पद्धति है, आपने अभी कलर थेरेपी वगैरह सीखा है थोड़ा, तो ये सूजो उपचार पद्धति सिर्फ हाथ और पैर के ऊपर, हाथ और पैर के ऊपर बॉडी देख के काम किया जा रहा है। बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं, बहुत कुछ नॉलेज होना है आपको, शरीर शास्त्र मालूम होना चाहिए, शरीर क्रिया शास्त्र, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए, ऐसे कुछ बात इसमें नहीं है, कोई भी कर सकता है, थोड़ी अगर मालूम उसको जानकारी मिले, क्योंकि हाथ और पैर के ऊपर। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, ये सब बातें जो ट्रेडिशनल वे में करते लोग आए थे, वो सुजोक में और अच्छी तरह से एडवांस वर्जन में आ, एडवांस वर्जन। अभी देखो एक्यूप्रेशर, आपको मालूम है कि एक्यूप्रेशर बॉडी के ऊपर प्रेशर देना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं उसके ऊपर प्रेशर देना, तो उसकी जो लिमिट है वो सुजोक में खत्म हो रही है, क्योंकि एक्यूप्रेशर की लिमिट क्या है, एक तो लेडीज है तो जेंट्स को कैसे ट्रीटमेंट देगी, और जेंट्स है तो लेडीज को कैसे देगी ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाया जाएगा लेडीज और जेंट्स में, ये फर्क हो जाए, ये लिमिट आ रही है। दूसरी बात ये भी लिमिट आ रही है, कितना टाइम आप एक्यूप्रेशर करेंगे, एनर्जी कितनी लगाएंगे, कितने पेशेंट को आप कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लगानी है, एक्यूप्रेशर करना है। तो ये लिमिट जो है वो सूजोक में खत्म होने वाली है, क्योंकि सूजोक में आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो इधर ही करने वाले हैं, कितने एरिया में, पैर में भी उतने एरिया में एक्यूप्रेशर।
और जो एक्यूप्रेशर आप समझो 10 मिनट कर रहे थे बॉडी के ऊपर 15 मिनट, अभी इधर 10-15 मिनट आपको रुकने की जरूरत नहीं है, वो एक्यूप्रेशर कर रहे, क्योंकि एक्यूप्रेशर करने के लिए वहां कुछ हम ऐसी चीज लगाएंगे कि वो स्टिमुलेशन उसका चालू रहेगा। वहां एक्यूप्रेशर करने के लिए वहां ऐसी कुछ चीज लगाएंगे कि स्टिमुलेशन चालू रहेगा, रात भर स्टिमुलेशन चालू रहेगा, दिन भर रह सकता है। तो एक्यूप्रेशर की जो लिमिट थी, टाइम लिमिट थी, यहाँ टाइम लिमिट खत्म हो गई कि हम अगर थोड़ा दबाने के बाद अच्छा लग रहा है तो ज्यादा टाइम उधर दबाना हम लोग को अभी पॉसिबल हो गया। तो ये एक्यूप्रेशर की लिमिट खत्म हो गई। और इतना ही नहीं है, हम एक्यूप्रेशर में सिर्फ प्रेशर लगा रहे थे, अभी तो हम क्या करेंगे, हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो वहां कुछ सीड लगा देंगे, बीज लगा देंगे सीड। तो सीड की जो प्रॉपर्टी है, सीड के जो गुणधर्म है, वो वहां मिलेंगे बॉडी। तो एक्यूप्रेशर की अभी इंटेंसिटी इफेक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि वहां हमने क्या किया, सीड जो है वो सीड की एनर्जी वहां यूज करना शुरू किया। कलर, कलर थेरेपी, वो भी एक्यूप्रेशर के उस पॉइंट के ऊपर कलर भी लगाएगी, तो और इफेक्टिविटी बढ़ गई। यानी एक ही साथ एक्यूप्रेशर है, सीड थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है और कलर थेरेपी। तो एक्यूप्रेशर करते हैं हम, एक्यूप्रेशर के जो करते होंगे आप में, और जो भी एक्यूप्रेशर बाहर आपके पहचान वाले जो कोई एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, उनको अपने को ये बताना है कि भाई अभी एक्यूप्रेशर में ये सब बदलाव आ गए, इसको स्वीकार करो। ये घर में मेरा क्लास घर में चल रही है और किचन में कुछ हुआ है, ये तकलीफ हो रही है। हाँ, वो किचन वाली को मालूम नहीं मेरे को अभी तकलीफ क्या हो रही है। हाँ, वो किचन का चालू है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी। राज जी, इसका कुछ सोल्यूशन है तो बताइए सर, मेरे घर पे भी यही होता है। यही होता है, हाँ, उनको मालूम नहीं है क्या चल रहा है उधर, उनका काम उधर चालू ही है। क्योंकि क्योंकि इसकी तकलीफ काफी बढ़ गई है, तो क्या सुजोग में इसका इलाज है? और बोले बोल भी नहीं सकते, खाना खाना है ना। हाँ, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। उनका टाइम लिमिट है। So he's coming on. Wait for a few minutes. मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर सुरेश जाधव जी से कि अगर रिलेशनशिप में है तो इस चीज में सुजोग में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं, तो इस एंड रिक्वेस्ट हिम टू थ्रो लाइट ऑन दैट। यस, एंड मीनवाइल एनीवन, यस ही इज बैक, या थैंक यू, या सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो ये हम सुजोक में एक तो क्या देखा हमने कि चारों मैग्नेट, कलर, प्रेशर, ये सब दे रहे हैं, टाइम भी बढ़ा। तो सुजोक और इफेक्टिव एक्यूप्रेशर का जो आपको मालूम है, मैंने जो बोला कि हम हमारे सोसाइटी में लोग जो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं उनको अपने बताना पड़ेगा कि भाई अभी साइकिल का जमाना है, बैलगाड़ी का जमाना खत्म हो गया है। हाँ, अभी और भी दूसरे साधन आ गए हैं, तो वहां अपने को जाना है। तो आपको, हम सभी को ये करना है कि सोसाइटी में ये सुजोग का जो नॉलेज है, सुजोग के बारे में अवेयरनेस है, वो बताना। तो ये हो गया अपना सुजोग से हम क्या कर रहे हैं। और भी एक अच्छी चीज हमारे सामने जो आ रही है कि आप एक्यूप्रेशर देंगे या मसाज करेंगे
वो किसी एक ही जगह पे बॉडी के एक पार्ट पे करे, लेकिन यहाँ सुजोक ने जो शरीर आप देखेंगे तो वो रचना जो है वो इस फिंगर पे भी है, इस फिंगर पे 200 फिंगर पे। तो आपको ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, आपने समझो 4 ऑप्शन यूज किए तो इफेक्ट मल्टीपल हो गया। यानी एक्यूप्रेशर आप यहाँ कर रहे थे, एक्यूप्रेशर एक पॉइंट पे कर रहे थे, वही पॉइंट आपको 20 जगह में मिला। तो कितनी बड़ी बात होती है कि हम एक ही पॉइंट पे काम करने वाले थे, अभी हम 4 पॉइंट पे काम करेंगे तो मल्टीपल इफेक्ट हो गया। तो ये सुजोक में ये मल्टीपल इफेक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से सुजोक एक्यूप्रेशर मसाज वाले को, एक्यूप्रेशर वाले को सुजोक करने में बहुत आसान, और हम लोग सीखने के लिए बहुत आसान ये सुजोक का जो सोल्यूशन अपने लिए, अपने जनरेशन के लिए। हाँ, ये सुजोक एक्चुअली घर घर में सबको मालूम होना चाहिए, घर घर में, स्कूल में भी इसके बारे में कुछ आना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को तो इतना एजुकेशन दे रहे हैं, 15 साल उसके लाइफ के जा रहे हैं, और 15 साल में मिल क्या रहा है, कौन सी ऐसी चीज मिल रही है 15 साल जब स्कूल में जाता है, कोई कॉलेज में जाता है, कॉलेज से बाहर आता है तो मिलता क्या है, जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या मिलता है उसको। अगर नौकरी नहीं मिली तो वो एजुकेशन उसका खराब हो, कम से कम इतना तो मिलेगा उसको, खुद की हेल्थ को रखने के लिए कुछ मिलेगा। तो इसके लिए स्कूल में भी ये होना। तो ये जो सुजोग से हम बॉडी माइंड सोल सब तरह की ट्रीटमेंट इसमें सुजोग में, बॉडी माइंड सोल, जैसे अभी राज जी बोल रहे थे रिलेशनशिप के ऊपर, तो ये सुजोक में ये भी ट्रीटमेंट, सुजोक में सब तरह की ट्रीटमेंट, बॉडी माइंड सोल और लाइफ, क्योंकि सुजोक एक एनर्जी साइंस है। और ये सब बातें जो है बॉडी माइंड सोल, ये सब अपनी एनर्जी है, एनर्जी के अलग अलग रूप है। तो बॉडी का भी कुछ प्रॉब्लम है तो भी सुजोक है, माइंड का प्रॉब्लम है तो भी सुजोक, लाइफ अपनी जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, तो उसमें भी जो प्रॉब्लम आते हैं तो वो भी एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसको भी सॉल्यूशन सुनो। एनर्जी इम्बैलेंस, जहां भी एनर्जी इम्बैलेंस होती है उसका सॉल्यूशन सुनो। तो इसके लिए सुनो के बारे में हम राज जी भी प्रचार कर रहे हैं सुजोक के बारे में, कि लोगों में ये बातें जाए। अभी आपने जो कलर थेरेपी का भी आपने जो ट्रीटमेंट देखा है, किसी फिंगर के ऊपर कलर लगा और ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ हम इतना ही नहीं, सिर्फ कागज भी लगा रहे, कागज लगा रहे, इतना अनबिलीवेबल है ये, विश्वास अपना होगा ऐसे नहीं है किसी को, जब मालूम नहीं है तो लोगों को लगे क्या कागज लगाने के बाद थोड़ा होगा, लेकिन सिर्फ कागज ही लगाते हैं, चिपकाते हैं, सिर्फ मालूम होना चाहिए कहाँ चिपका। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई अगर एक कीला, अगर दीवार में आके कोई मशीन का एक कीला एक स्क्रू टाइट करता है तो लोग क्या बोले, एक स्क्रू का इतना पैसा लिया, लेकिन वो टाइट कहाँ करना था, कौन से स्क्रू को उसको घुमाना था, ये उसका नॉलेज था। सिर्फ हमें वो नॉलेज होना चाहिए कि सुजोक में हम कैसे क्या कर सकते, तो सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन अपने यहाँ हम लोगों को मदद कर सकते किसी भी को। जैसे मैंने बोला बॉडी माइंड सोल लाइफ, आपके कोई डिसीज ऐसे रहते हैं कि जो माँ के गर्भ से आए हुए हैं, जब माँ के गर्भ में आते हैं तो कंजेनिटल डिसीज बोलते हैं, उसकी भी यहाँ सॉल्यूशन रिमेडी सुजोक। तो इस तरह से सुजोक के ये जो मैं भी इसमें 20 साल में काम कर रहा हूँ, और ये 20 साल में मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि जहाँ डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ नहीं होने, पेशेंट को अभी छोड़ दिया, और उसके रिजल्ट यहाँ मिले, क्योंकि डॉक्टर जब देख रहा है वो फिजिकल बॉडी को, भौतिक शरीर को देख रहा है, लेकिन इस भौतिक शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, उस एनर्जी के बारे में कुछ नहीं,
और एनर्जी हर एक के अलग अलग, तो कभी कभी डॉक्टर बोल रहे फिजिकल शरीर फिजिकल बॉडी को देख के बोलते अभी कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी जो है वो उसको मदद करने वाली है। उस एनर्जी के ऊपर जब काम करते हैं तो जिसको बोले कि 2 महीने का है अभी मेहमान, वो 20 साल जिया, ऐसे हम लोग भी देखे भी है और आपने भी देखे है। कभी कभी डॉक्टर ने बोला था ये जाने वाला है और आपने देखा है वो बाद में बहुत साल उसको पैसे भी किसी तरह से उसको कुछ मिला, कुछ मेडिसिन या जो भी है उसको कुछ मिला और उसके बाद में वो बाहर आ गया उस सिचुएशन, आपने भी देखा। तो इस तरह से जब एनर्जी के ऊपर काम होता है तो अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलते हैं। और इसके हम लोग प्रचार कर रहे हैं, इसके क्लासेस भी होते हैं अलग अलग, अलग अलग लेवल है सुजोग में। आपने जो अभी कर रहे हैं एक बेसिक का पार्ट कर रहे हैं, फिर भी उसके रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे, सिर्फ बेसिक का कुछ कर रहे। तो इसका बेसिक भी सीखने के बाद हम घर में अपने दवाइयों से छुटकारा पा सकते। जब कोई कुछ भी हो रहा है तो हम क्या करते, चलो गोली ली, अभी सर दर्द हो रहा है गोली ली, फिर सर दर्द हुआ गोली ली, तो क्या होता है शरीर को हम क्या करते हैं बार बार गोली देने के बाद जो शरीर दिखा रहा था सिग्नलिंग दे रहा था उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं, हम सिग्नल तोड़ के अपनी गाड़ी चल रही है, उसको कुछ कर नहीं रहे तो आगे जाके उसकी बीमारी बनती। तो सुजोग में क्या हो जाएगा, आप ये सीखने के बाद क्या होता है कि सर दर्द हो गया आपने गोली नहीं ली, आपने तुरंत इधर कुछ किया, तुरंत किया और वो सर दर्द गायब हो, यानी बॉडी जब भी सिग्नल देती है तब आप काम करते तुरंत। आपको ये डॉक्टर के पास जाके लाइन लगाने की या कल जाने का है परसों जाने का ये करने की जरूरत, हमें डिसीज के बारे में पता भी नहीं है, होने वाले डिसीज को अभी हम रोक सकते, क्योंकि होने वाला डिसीज कोई एकाएक नहीं आता है, वो पहले सिग्नल दे रहा है बॉडी को, सिग्नल मिलते हैं हम लोग को, सिग्नल को पहचान नहीं सकते। लेकिन जब सिग्नल मिल रहा है मेरे को इधर दर्द हो रहा है, ये सिग्नल दिया है कुछ है, तो मैं क्या करूंगा, झट से मेरे हाथ पे मुझे मालूम है कि यहाँ दर्द होता है तो किधर दबा, उधर मैंने दबा दिया ये दर्द गया, तो वहां जो कुछ इम्बैलेंस हो रहा है तुरंत ही मैंने उसको ठीक, तो इसके कारण उसकी डिसीज नहीं बनी। और ये सब इसके लिए, ये सीखने के लिए आपको कोई मेडिकल नॉलेज की जरूरत, कोई बहुत एजुकेशन की जरूरत नहीं, घर का छोटा बच्चा भी सीख सकता। क्योंकि क्या देखना है कि ये हाथ के ऊपर ये बॉडी कैसे है ये देखना है। अभी आपने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जो बेसिक वगैरह किया है उसमें भी आपको मालूम है कि हाथ ये अपने शरीर का एक मिनिएचर फॉर्म, एक छोटा सा रूप है, ये आपने देखा है, बराबर है ना, सबको मालूम है ना, हाथ ये छोटा सा रूप है बॉडी, ये आपको मालूम है, ये जो 4 फिंगर्स और ये 5वां, ये बॉडी से ये सेंट्रल पार्ट से निकले हुए 5 पार्ट है, ये 2 पार्ट पैर के 2 और ये पार्ट मिलके 5 पार्ट हो गए, वो अपने हाथ के ऊपर दिख रहे हैं 5 पार्ट। तो इतना ये आसान है कि सिर्फ ये पहचानना है। अभी आपको भी मालूम हो गया ये जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, नेक और इतना, ये ऊपर वाला पार्ट इधर है, ये पार्ट है, बराबर है ना, ये छोटा पार्ट है, तो यह फिंगर के ऊपर ये आ गया, ये छोटा पार्ट, और बाद में ये लंबे पार्ट है, 2 हाथ और 2 पैर लंबे है, तो ये 4 जन कौन है, इसमें से 2 सेंटर में और 2 बाहर के, तो 2 पैर है और ये 2 हाथ है, ये भी समझ में आ गया। छोटे बच्चों को भी जल्दी समझ में आता है, हमारे से ज्यादा बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि हमारे अंदर दूसरा दूसरा नॉलेज है और उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, जब सुनते हैं ना तो उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे जोड़ते नहीं है, बच्चे जो मिल रहा है सामने आ रहा है उसको स्वीकारते हैं, तो बच्चे जल्दी स्वीकारते हैं। अभी हमारे ये प्रभु मैडम है ना, उनके साथ में बैठे हैं, हाँ उनके दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चे, क्योंकि अभी उनको समझ में आ जाएगा कि ये 4 फिंगर है, हाथ पैर बीच में 2, ये बाजू में हाथ है और ये गर्दन का भाग है,
अभी मेरे गर्दन में कुछ हुआ है तो वो ही बताएगा कि गर्दन के लिए मैं यहाँ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ये गर्दन का वहां बराबर है, गर्दन है और ये ऊपर इसके ऊपर ये चेहरे का वहां, हाँ ये गर्दन के लिए दो ज्वाइंट है ना दो, तो यहाँ भी अंगूठे को दो ज्वाइंट है और मेरे को इधर टॉन्सिल्स में दर्द हो रहा है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि इधर इस लाइन के ऊपर मेरे को ट्रीटमेंट देनी है, कितना आसान हो रहा है। तो यही अभी लेडीज को कभी कभी पीरियड के टाइम जब दर्द होता है पेट में, नीचे पेट में दर्द हो रहा है, तो अभी समझ में आ जाएगा ये दो पैर है, दो पैर के ऊपर यहाँ दर्द हो रहा है, इधर दर्द है वो यहां मिलेगा दर्द, तो यहाँ ट्रीटमेंट देंगे। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक तो दवा दबा सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के साथ वहां कलर लगाना है तो वहां रेड कलर देंगे, रेड कलर, जब कोई पेनिंग को आपको रोकना है तो रेड कलर लगाना है, लाल कलर पेनिंग कम करना। और तो लाल कलर क्या करता है, एक्सपांशन करता है, हीट निर्माण, हीट पैदा करता है, वहां जो पेनिंग हो रहा है तो वहां क्या, एक तो ब्लड सर्कुलेशन कम आ रहा है तो वहां की सेल मर रही है, रीजनरेशन बोलते हैं, वो हो रहा है वहां, तो हम क्या करते हैं सेक देते हैं ना, जब कहीं किधर भी दर्द होता है तो उसको सेकने की हम लोग प्रक्रिया अपने को मालूम है घर में, तो सेकते हैं, हीट देते हैं वहां, तो वही हीट देने का काम यहाँ हम क्या करेंगे, रेड कलर से करेंगे। तो ये पीरियड के दर्द के टाइम यहाँ आप रेड कलर लगाते हो तो पीरियड का दर्द कम हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है। अभी हमारे एक बहन ने अभी बोला ना कि 30-40% झट से रिलीफ हो गया, उन्होंने कलर लगाया। तो ये कलर वाली ट्रीटमेंट उसी वक्त हमें मालूम, सिर्फ मालूम होना चाहिए कि इधर क्या है बॉडी का, ये बॉडी को हम कैसे देखेंगे, ये मालूम हो गया कि हाथ के ऊपर कैसे देखना है। अभी ये तो मालूम है दो पैर है, अभी दो पैर की ये तीन ज्वाइंट है, एक हिप का ज्वाइंट, फिर घुटने का ज्वाइंट और नीचे एंकल का ज्वाइंट है। तो घुटने के दर्द के लिए मालूम पड़ गया कि घुटने का दर्द यानी ये मिडल ज्वाइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देनी है, मिडल ज्वाइंट ये घुटने के, तो घुटने के लिए मिडल ज्वाइंट के ऊपर वहां ट्रीटमेंट देंगे। वहां हम चाहे तो क्या करेंगे, मेथी की पट्टी लगाएंगे, क्योंकि मेथी जो सीड है हम लोग हड्डी के लिए मेथी के लड्डू वगैरह खाते हैं, आफ्टर डिलीवरी लड्डू खाते हैं, कमर दर्द है तो मेथी के लड्डू, तो ये मेथी जो है वो क्या करेगी, आपको ताकत देती है हड्डी को, तो ये हड्डी को ताकत देने के लिए इसके ऊपर हमने क्या किया, मेथी अगर लगा दी इस ज्वाइंट के ऊपर तो इससे फायदा हो जाएगा उसको, मेथी की ताकत मिलेगी, मेथी के वाइब्रेशन यहां मिलेगी। कितना आसान है इसमें, कलर आप ले रहे हैं तो कलर स्केच पेन से लेंगे। पहले की जो कलर थेरेपी थी तो पहले क्या करते थे, सूर्य की रोशनी में, सूरज की रोशनी में कुछ बॉटल रखते थे, कुछ ऐसे सब था कलर थेरेपी पुरानी। तो सुजोक में अभी ये बॉटल बीटल रखने की कुछ ये नहीं है, डायरेक्टली हम कलर स्केच पेन के कलर यहाँ यूज कर। तो यहाँ आप इस घुटने को अगर दर्द हो रहा है तो ये घुटने के ऊपर मेथी की पट्टी बांधेंगे, या तो उसको रेड कलर मार्कर पेन से करेंगे, सिर्फ मार्कर पेन को यूज देख, पहले अपना ऑर्डिनरी जो ब्लैक बोर्ड वाला अपना जो व्हाइट बोर्ड का मार्कर है उसको लेना है, क्योंकि अपने को अगर तकलीफ होती है तो इसका डोज भी इसके साथ होना चाहिए, तकलीफ होती है तो कलर को मिटाना है, दूसरा कलर यूज करना है, थोड़ी इसको मालूम करना होगा आपको। दो कलर सिर्फ यूज करेंगे हम, लाल और काला, तो लाल कलर लगाने के बाद दर्द अगर बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है तो उसको मिटाना आना चाहिए, इसके लिए पहले हम परमानेंट मार्कर का यूज नहीं करेंगे, ऑर्डिनरी अपना स्केच पेन वगैरह कोई भी यूज करके देखेंगे और अच्छा लगा तो परमानेंट मार्कर से वहां वो कलर लगा देंगे। समझ में आ रहा है, इतना आसान है सब कुछ। अभी देखो हील पेन जब रहता है, हील पेन बहुत सारे लोगों को हील पेन, हाँ नीचे हील पेन हड्डी का जो उसको कैलकेनियस स्पर बोलते हैं, हील पेन बोलते हैं, तो हील पेन के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है ये दो पैर है और इन दो पैर में ये और ये पॉइंट, हाँ ये दोनों जगह
आपको सिर्फ रेड कलर करना है या दबाना है, उधर उधर भी दबाएंगे, उधर दबाएंगे, उसको बताएंगे, पेशेंट को बताएंगे इधर दबाना है, या तो वहां आप पेन या पेंसिल से उधर क्या करेंगे, रगड़ेंगे, मसाज करेंगे उसके ऊपर, पेन पेंसिल से वहां मसाज करेंगे और उसको पूछते अभी क्या हो रहा है बता, तुरंत वो बता देगा कि अच्छा लगे। तो यहाँ लाल कलर लगा सकते हैं, काली मिर्च के दाने लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, इस तरह से उसको तुरंत दूसरे दिन ही बताता है कि बहुत आराम हो गया। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि वहां इंजेक्शन लगवा दिए, कुछ कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, ये कैल्शियम की गोली का तो ये बहुत बड़ा ये चल रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बोलो कमर में दर्द है, आप बोलेंगे हड्डी कहीं घुटने में दर्द है, उनका एक दवा तो फिक्स है कैल्शियम की गोली, ये तो फिक्स है, जरूरत हो या ना हो आपको कैल्शियम की एक गोली तो देगी। एक्चुअली ये कैल्शियम की गोली बेवजह हम जब लेते हैं तो उसका परिणाम बाकी के अपने ऑर्गन पे हो रहा है, हार्ट पे हो रहा है, हमें मालूम नहीं है। कोई एक महीने के लिए कैल्शियम लेगा तो अलग, हम क्या करते हैं चालू ही रखते हैं, फिर डॉक्टर को जाके बताते नहीं, डॉक्टर ने बोला है कैल्शियम ले, कैल्शियम कम है, तो हम क्या करते हैं कैल्शियम की गोली चालू रखते हैं, हमें मालूम ही नहीं कितने कितने समय तक लेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कैल्शियम की गोली है और उसके कारण बाद में उनका हार्ट से लेके सर्कुलेटरी सिस्टम में और उसके रक्ताभिसरण रुधिराभिसरण संस्था जो है उसमें हार्ट आता है, अपनी नसें आती है, उसके ऊपर उसका कैल्शियम का इफेक्ट आ रहा है और हम ले रहे हैं सभी जगह। अपने को एक परमानेंट एक गोली है, कैल्शियम दे दो, विटामिन की दे दो, न्यूरोबियन करके एक गोली है वो दे दो, बस सभी पेशेंट ये हो रहा है। एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अपने को डाइजिन वगैरह जेल वगैरह जो है सब कॉमन है, देते ही है, और उसमें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करके जो है वो बॉडी के ऊपर गलत काम कर रहा है, आगे जाके अल्सर से लेके कैंसर तक गाड़ी पहुंचती है। तो ये सब हो रहा है और ये सब बातें हम लोग इस ट्रीटमेंट से जल्दी कवर कर सकते हैं, जरूरत नहीं हमको डाइजीन या कोई काढ़े लेने की, क्योंकि जब काढ़े भी लेते हो हमेशा के लिए तो उसका भी गलत इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि बॉडी को क्या हो रहा है वो जो काढ़ा ले रहे हैं वो पूरी बॉडी में जाके काम कर रहा है, जरूरत तो एक जगह पे है लेकिन आप जो भी दवाई ले रहे हो पूरी बॉडी में जा रही है, समझ में आ रहा है। अभी भी कोविड के ये एपिडेमिक में क्या हो रहा है कि लोग काढ़े लेना शुरू हो गए, काढ़े शुरू है अभी, क्या हो रहा है जिसने काढ़े लिए काढ़े लेते हैं और उसको समझो चेस्ट में तो अच्छा लगा, अगर बुखार है चेस्ट में सर्दी है अच्छी लगी, लेकिन उसको पाइल की बवासीर की बीमारी है तो क्या हो रहा है, एसिडिटी की बीमारी है तो क्या हो रहा है काढ़ा लेने के लिए, तो वो बीमारी बढ़ रही है। तो सुजोक में ये कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता नहीं, क्योंकि सुजोक में आप क्या करेंगे एग्जैक्ट काम करेंगे, एग्जैक्ट मेरे को अगर काढ़ा सर्दी अगर हुई है चेस्ट को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा चेस्ट के लिए यहां मैं अदरक जिंजर जो भी है ना यहां लगाऊ चेस्ट के लिए, तो ये जिंजर क्या करेगा इधर ही काम करेगा यानी चेस्ट के लिए काम करेगा, पूरी बॉडी में जाके स्टमक में जाके एसिडिटी पैदा नहीं करेगा या एनस में जाके वहां भी कोई इरिटेशन नहीं करेगा, पाइल्स बढ़ेगा नहीं। हम क्या करेंगे इतने एरिया कोई हम जिंजर काढ़ा जो है ना अब काढ़े में जो चीजें यूज कर, समझो मैं काली मिर्च लिया तो काली मिर्च में यहाँ ही लगाओ, काली मिर्च का इफेक्ट मैं यहां से ले लू, पूरी बॉडी के अंदर नहीं डालूंगा काली मिर्च। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जहां ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हमें सुजोग से मिल रही है। इसके लिए सुजोग का मैं अपनी तरफ से मैं प्रचार मैं एकदम डिवोशन डेडिकेशन के साथ सुजोग के बारे में लोगों में जाके बोलता हूँ, क्योंकि आगे की जनरेशन को हमें बचाना है, दवाइयों से बचाना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका प्रचार तो होना चाहिए, दवाइयों से बचना है, क्योंकि दवाई के बारे में कुछ गारंटी ही नहीं है, वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद अच्छा है
सचमुच में आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन वो इंडिविजुअल होना चाहिए। अभी जो हमारा आयुर्वेद है वो इंडिविजुअल नहीं है। हमारे कोई आयुर्वेदाचार्य ऐसे नहीं है जो आपको देख के, नब्ज देख के क्या कर रहे हैं, खुद दवा बना रहे, ऐसे आपको आयुर्वेद शास्त्री नहीं मिल रहे। हमारा जो आयुर्वेद अभी कंपनी का है, प्रोफेशनल बन गया, तो कैसे रिजल्ट ले लेंगे? क्योंकि वो आयुर्वेद का जो दवाई बन रही है वो कैसे बन रही है, ये डालो वो डालो सब कुछ डालो, कीमत बढ़ानी है। हाँ, तो क्या हो रहा है, जिसमें उसमें जो भी कंटेंट डाले कीमत के लिए डाले और कीमत बढ़ाने के लिए, और उसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो मुझे, मेरी बॉडी को सूट नहीं करती है। हर एक की बॉडी अलग है, तो उसमें जितनी दवाई डाली कुछ दवाई आपको सूट नहीं करने वाली है, तो क्या करेगा? और यही होता है, किसी को उस बॉटल का आराम आ रहा है आयुर्वेद काढ़े का, और किसी को नहीं आ रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है। तो दवाई कौन सी भी हो, हमें दवाई से हल आहिस्ता आहिस्ता हमें कम करनी है घर की दवाई, क्योंकि दवाई कौन सी भी हो इस तरह का काम हो रहा है। और क्या हो रहा है कि उस दवाई में जो कंटेंट डाले जाते हैं, समझो मुझे नीम का काढ़ा चाहिए और मेरी कंपनी नीम का काढ़ा बना रही है, मैंने जिससे मांग रहा हूँ नीम लाके मुझे देना है, तो वो दवाई नीम की पत्ती मुझे देगा इसकी गारंटी है क्या? मुझे बहुत सारा नीम का पत्ती चाहिए तो क्या कर सकते हैं? ये तो हम जगह जगह देख रहे हैं, सभी जगह मिलावट हो रही है, क्योंकि डिमांड को पूरा करना है, तो क्या करें? तो हमारी जनरेशन को, हमारे घर को हमें बचाना है, तो कम से कम दवाई का यूज हो, इसको देखना। कोई वैक्सीन हमें बचाने वाली नहीं, हमें अपनी अपनी तंदुरुस्ती, अपनी सेहत खुद देखनी। वैक्सीन से कुछ नहीं, वैक्सीन तो बाहर का हम लोग ये ले रहे, खुद की बॉडी के अंदर की पावर को बढ़ाना। और बॉडी के अंदर की पावर को बढ़ाने के हम बात कर रहे हैं, तो चलो उसके भी दवाइयां निकली बाहर, आसान है ना, दवाइयां निकली, सब धंधे शुरू हो गए कि इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाने की। लेकिन प्रॉब्लम तो वही आने वाली है, उसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे, कंटेंट की गारंटी नहीं, और बाद में वो अपनी बॉडी को सूट होगा नहीं, ये भी मान। तो खुद की बॉडी की इम्यून पावर भी कैसे बढ़ानी है वो सुझो, बाहर से कुछ लेना नहीं, इधर से ही करना। तो इस तरह से अगर आप इस सुजोग को आगे जाके अगर पढ़ते हो, और पढ़ना इसके लिए है कि मेरी फैमिली के लिए, और इसमें अगर किसी को प्रोफेशनली भी करना है, समझो सीख के प्रोफेशनली काम करना है, तो बहुत बड़ा इस स्कोप है। इसमें प्रोफेशनली करते हो तो इसमें क्या है, सीखने के लिए बहुत बड़ा कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसकी पैशन होनी चाहिए, मुझे सीखना है, बस अंदर से लगन होनी चाहिए कि मुझे ये सीखना है, तो आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। और मास्टर बनने के बाद क्या हो रहा है, इसके जो सुजोक के जो इन्वेंटर है प्रोफेसर पार्क जेव, उन्होंने सब सुजोक थेरेपिस्ट को ये आश्वासन दिया, एश्योरेंस दिया कि अगर आप इसमें प्रोफेशनली भी करते हो तो आपको पैसे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, पैसे के पीछे दौड़ना भी नहीं है और दौड़ना पड़ेगा भी, क्योंकि बाकी के डॉक्टर के पेशेंट भाग जाएंगे, वो नहीं है तो भागेंगे दूसरे डॉक्टर के पास। यहाँ सुजोग में क्या होगा, अगर मैं इस बॉम्बे में नहीं हूं तो मेरे पेशेंट मेरे लिए रुक जाते हैं, चलो सर कब आने वाले हैं, 5 दिन के बाद आने वाले, 5 दिन के बाद आने, यानी मनी वेट फॉर, पैसा अपने लिए वेटिंग करता है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमें अंदर से जो आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद जो बोलते हैं, वो मिल रहा है, क्योंकि हम किसी को कुछ ऐसे गलत चीजें नहीं दे रहे, उसको उसकी बीमारी से जब छुड़ाते हैं हम, तो अंदर से बहुत बड़ा आनंद भी। तो आनंद के साथ इसमें अगर प्रोफेशनली करते हो तो आनंद के साथ ये प्रोफेशन, रात को अच्छी नींद आती है कि आज दिन भर में मैंने इसने उसका पेन कम हो गया, उसकी ये डिशेज कम हो गया, लोग ने जो बोले हैं हमारे साथ वो सामने आता है, और आनंद के साथ अब सुन। तो प्रोफेशनली भी अगर आप करना चाहते तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं,
प्रोफेशनली करेंगे, एक आप इसमें जो भी आपका जो फीस वगैरह रहेगा प्रोफेशनली करने, एक बार ही करना है, बार बार उसको अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं भरना है। जैसे आप कोई दूसरे प्रोफेशन में कर रहे हैं तो सीखने के लिए और पैसा, फिर अपग्रेडेशन हो रहा है, फिर नया नॉलेज ले। इसमें जो नॉलेज है वही नॉलेज आपको पूरी लाइफ पर आपके साथ रहेगा, ऐसे नॉलेज इसमें मिल जाए। और जितने पैसे आपने खर्च हो किए होंगे वो तो क्या हो गया, अभी आज समझो मैंने 40,000 रुपया फी भरी है, आज मैंने भरी है और ये नॉलेज मैंने लिया है, लेकिन एक बरस के बाद 40,000, 2 बरस के बाद 40,000 की वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी। लेकिन वो 40,000 भरने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हर बरस मेरी इनकम और सब कुछ बढ़ते ही गए। मैंने जैसे अभी राज जी ने बताया कि मैंने इतने सारे लाख रुपए उसमें डाले थे, क्योंकि साल में प्रोफेसर यहाँ आते थे तो प्रोफेसर की क्लास, बाद में एक दूसरी लेक्चरर आती थी दूसरी लेक्चर की क्लास, और एक टाइम में हमारा 50,000 रुपया ऐसे भी जाता था। प्रोफेसर की फीस अगर भरनी है वो 20-25 हज़ार की फीस रहती थी, और बाद में महीना भर का हम लोग जहाँ जाते थे वहां का होटल का बिल वगैरह, रहना खाना सब कुछ आ रहा था। तो एक टाइम के क्लास के लिए और इधर का इनकम छोड़ के कुछ हमारा जो इनकम है छोड़ के जाना है एक महीने के लिए। तो ऐसे मैंने 10 बरस की, ये 10 बरस करने के बाद आप भी उस वक्त मुझे लोग बोल रहे थे कि क्यों कर रहे आप ये पैसा, क्यों खर्चा कर रहे हैं। मैंने जितना भी खर्चा कर रहा था मुझे आनंद मिल रहा था, आज भी मुझे आनंद मिल रहा है और मेरा नुकसान भी कुछ भी नहीं। तो पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता है। आप प्रोफेशनली करते हो तो प्रोफेशनली करो, चैरिटी करते हो तो चैरिटी करो, जिसको चैरिटी करना है तो चैरिटी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी लाइफ को एक स्टेटस मिलता है, आप चैरिटी भी करें या प्रोफेशनल। तो अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन है तो पहला मैं एक 5 मिनट के लिए गैप लेता हूँ, जब तक आप आपके क्वेश्चंस, और राज जी को आप मैं राज जी को बोलता हूँ कि आपके क्वेश्चन को वो थोड़ा ये करें और बाद में हम फिर से शुरू करें। राज जी, क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम रिया के, वेरी इंटरेस्टिंग, टोटली न्यू नॉलेज, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाट कोर्सेज डू यू हैव, सो शी इज लिस्टेड इन, आगे उनको सीखना है। ओके, तो हां के बारे में उनको बताते हूं मैं, सो दैट अदर पीपल, हाउ मेनी पीपल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, कितने जन को लगा रहा है समथिंग, कुछ नया सीखने मिल रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने जन को लग रहा है, यस कमलप्रीत, नेहा, राज जोशी, या ओ यस कमन सर इंटरेस्टेड टू लर्न, सो आप देखेंगे। सो इवन अब मेडिकल साइंस करते हैं, MBBS डॉक्टर बनता है तो कितने का खर्चा होता है, कैन यू पुट इट इन द चैट बॉक्स, कितना खर्चा होता है चैट बॉक्स में लिखिए, कि अगर एक आदमी जब MBBS बनता है तो कितना खर्चा करता है MBBS बनने के लिए। यस जय लक्ष्मी सिंह, आई एम इंटरेस्टेड, संजीव सिंह, नाइस नॉलेज, लैक्स, यस अप्रोक्सीमेटली 50 लैक्स, करना यस 50 लैक्स, तो देखेंगे अराउंड 50 लाख तक का खर्चा होता है। और चैट बॉक्स में लिखिए, अगर उसके पास कोई हार्ट का पेशेंट जाता है, कोई नी पेन का जाता है, किडनी डायलिसिस के लिए पेशेंट जाता है, तो क्या वो ट्रीटमेंट कर सकता है 50 लाख का खर्चा करने के बावजूद? नहीं कर पा रहा है, सोनिया इज सेइंग नो, नहीं, कामना सरकार इज नो। तो आप देखेंगे कि इतना खर्चा करने के बावजूद, यस अहिल बुला इज सेइंग नो, तो ये वो इतना खर्चा करने के बाद में भी वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर सर के पास अगर अपर आपको सीखने मिल रहा है कुछ 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 एनर्जी एक्सचेंज करके, तो कैसा रहेगा अगर आपको कुछ नॉमिनल में आपके घर पे बैठे बैठे अगर आप सीख सकते हैं, अगर आप घर पे बैठे बैठे अगर आप सीखने का मौका मिलता है आपको, तो कैसा रहेगा चैट बॉक्स पे लिख के, अगर आप घर पे बैठे बैठे कुछ वेरी नॉमिनल एनर्जी फीस पे आप डॉक्टर सुरेश जाधव जो डायरेक्टली प्रोफेसर पार्क जेवू से सीखे हैं,
अगर उनसे सीखने का आपको मौका मिले, वो भी आपके घर में बैठे बैठे, या तो कैसा रहेगा? यस, कमलप्रीत कौर इज सेइंग गुड, अहिल खुला, मनोज कामना, यस, सो अपॉर्चुनिटी इज देयर, टू थिंग्स आर देयर। इनके जो कोर्सेज है मैं बताना चाहूंगा, जिनको डिटेल में थोड़ा सीखना है तो उनके लिए है 1 मंथ का कोर्स है, यस जिगना इज टू गुड। जिनको भी सीखना है, जिनको भी अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न है, और आई एक्नोलेज ऑल ऑफ यू, सभी आप जन को अपनी हेल्थ के लिए है, इसीलिए आप आए हैं इधर, यस एक्सेलेंट। आप जो भी इधर आए हैं अपना काम छोड़ के, सो मेनी कोर्सेज आर गोइंग ऑन, और जो फॉर्चुनेट इनफ थे, लकी इनफ थे, जिनको इंटरेस्ट था वही है, बाकी ये मैसेज सभी काफी जन के पास गए, सब जन नहीं आए, तो जिनके में लिखा था वही जन आए हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट। और यहाँ से जिनको जिनको रियली इंटरेस्ट है और डॉक्टर सुरेश यादव का कोर्स है, अगर MBBS से भी बढ़िया काम, जैसे आज ही दो जनों ने शेयर किया कि सर का खाली वीडियो देख के एक पेपर पे पेपर का इस्तेमाल करके फायदा हुआ, जयलक्ष्मी मैडम को कमर दर्द में डी पेन का तकलीफ था, एंड सोनिया इज ऑल्सो सेइंग यस यस वेरी मच, उनको भी कुछ कलर लगा के 30-40% आराम हो गया, सो इट इज नॉट अमेजिंग कि इट शोज इट इज वर्किंग। अभी आपके ऊपर है कि आपके ये लाइफ में काम करेगा कि नहीं, प्लीज शेयर डिटेल। यस संजीव इज आस्किंग, सो वी आर शेयरिंग दैट, तो अगर ये आपके ऊपर है ये काम करेगा कि नहीं। एक छोटी सी स्टोरी कहूंगा, एक बाबा थे और उनके दो, उनको गांव में थे, उनके सबको मानते थे, तो और दो शैतान बच्चे थे, तो उनको बोला अब बाबा को टेस्ट किया जाए, बाबा बहुत हमारे नड़ते रहते हैं, तो एक पंछी पंछी को लेके गए, पंछी को लेके गए पकड़ के, और बाबा को पूछा बाबा इसमें क्या है, तो बाबा बोले कि इसमें पंछी है, तो बच्चों अरे बोले इसको इनको तो पता चल गया, बोले पंछी कौन सा कलर का है, तो बोले ये ब्राउन कलर का है, अरे बोले ये भी पता चल गया, अभी क्या करें। फिर उसने आइडिया किया, दिमाग लगाया, बोले बाबा ये बताओ पंछी जिंदा है कि मर गया, बोले जिंदा है तो मैं मार दूंगा, बोले के तो इस तरह से मैं, और बोले के मरा हुआ है तो मैं उसको बताऊंगा ये तो जिंदा है, तो बाबा ने कहा कि ये पंछी जिंदा है कि मर गया है ये आपके हाथ में है। तो इसी तरह ये सर के पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको लाइफ में होगा कि नहीं होगा ये आपके हाथों में है, और ऐसे भी सुजोग की ट्रीटमेंट हाथों पे ही की जाती है, तो ये पूरी आपके हाथों में है कि इससे आपको कितना फायदा होगा। तो इसके साथ आप देखेंगे काफी जन को इंटरेस्ट है, तो डिटेल में शेयर करूंगा, तो कितने जन को जानना चाहेंगे कि ये अमेजिंग थेरेपी डिटेल में सीखना चाहेंगे, हैंड रेज करें वापिस, कितने जन को डिटेल में सीखना है, और वेरी नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज, यस, सो जिग्ना गोगरी, शीतल, राज जोशी, कमल, यस, तो ये काफी, अहिल बुला इज ऑल्सो यस, तो ये मैं बताना चाहूंगा, ही इज ऑथोराइज ट्रेनर इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन की तरफ से, इनका जो बेसिक ये कोर्स है 8,000 रुपीज का, और सर्टिफिकेट्स के साथ में 8,600 रुपीज होता है, और ये पूरा ऑनलाइन होता है, तो ये अभी ये बैच के लिए इन्होंने है, ये बैच में हमको देंगे सिर्फ 6,000 प्लस 600 फॉर सर्टिफिकेशन, तो 6,600 में ये पूरा आप घर पे बैठ के 1 महीने में सीख सकेंगे, ऑल्टरनेट डेज को इनकी बैचेस होती है, तो आपको पूरा कंफर्टेबल है, आपकी खुद की ट्रीटमेंट आप खुद कर सकेंगे, ये आपको अपॉर्चुनिटी है, तो काफी जन ने हाथ रेज किया है, और ये नेक्स्ट पेज से सर की फीस 8,600 होने वाली है, ये बात में आपको अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं ये, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते, तो पेमेंट किसी को इसके बारे में कुछ जानना है, एडिशनल कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जिग्ना गोगरी, नेहा कामना, शीतल, राज जोशी एंड कमलप्रीत कौर, तो ये या तो किसी को कर कुछ क्वेश्चन है, और ये आपके हाथों में ही है, मैंने जैसे बताया पूरी स्टोरी, इसको जिंदा रखना है कि मई करना है, आपकी हेल्थ को कैसे रखना है, ये पूरा आपके हाथों में है, तो फिर आप बोलने का मौका नहीं होना चाहिए कि
हेल्थ में ये इश्यू आ रहे हैं और इट्स ए वेरी नॉमिनल। अगर आपको इतना कुछ जानकारी मिल रहे हैं, काफी डिजीज में आप कुछ कर सकते हैं, काफी डिजीज में। यस, सो मेनी पीपल आर आस्किंग हाउ टू प्रिवेंट। कितने जन को और एक स्टोरी जाननी है, टाइप इन स्टोरी सुहाद। यस, आई विल जस्ट टाइप इन स्टोरी। कितने जन में स्टोरीज में इंटरेस्ट आता है? तमन्ना सर, यस विल स्टोरी। यस, सोनिया इज सेइंग स्टोरी। स्टोरी जाननी है कि नहीं जाननी है? आई विल बुलाई सेइंग स्टोरी। यस, तो एक आदमी जा रहा था और यस सोनिया सोफिया इज सेइंग आल्सो स्टोरी। सो एक आदमी जा रहा था, उसके पास कुछ फिश की टोकरी लेके जा रहा था, अंदर कुछ फिश पड़ी हुई थी। एक सामने से एक बैगर आया, काफी दिन से कुछ खाया नहीं था। सो मे भी पहले सुनी रहेगी आपने, मे भी कुछ आप इसमें से कुछ अलग पिकअप करें, मेरा ये इंटेंशन है। बैगर आया, बोले मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे दीजिए। तो उसने पहले सोचा कि इसमें से एक फिश निकाल के इसको दे देता हूँ, बड़ी है, जाके पकाएगा खाएगा। तो उसने उसको पूछा कि क्या करोगे, क्या चाहिए तुझे, ये फिशिंग फिश चाहिए कि फिशिंग रॉड चाहिए? मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा तो ये फिशिंग रॉड दूंगा, तो ये लाइफ भर तुम इससे फिश पकड़ोगे और खा सकोगे, तो उसे क्या चुनना चाहिए? तो चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आप उसकी जगह पर है, अगर आप उसकी जगह पर है और कोई आपको फिश ऑफर कर रहा है या फिशिंग रॉड ऑफर कर रहा है, तो यस कामना इज सेइंग फिशिंग रॉड, सोफिया इज सेइंग आल्सो फिशिंग रॉड। तो ये इसी तरह है, जब आप पूछते हैं नेहा व्हाट कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, यस इंप्रूव। सो ये फिशिंग, ये जब आप पूछते हैं तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमें एक फिश दे दो, वन फिश इज रिक्वायर्ड, हमें गले में तकलीफ है, एक फिश चाहिए, मुझे नी में तकलीफ है, एक फिश चाहिए। सर इज ओवर हियर टू ऑफर यू द फिशिंग रॉड, सर इज ओवर हियर टू फिशिंग रॉड, और सो दैट आप इसे लाइफ लॉन्ग इससे आप फिश पकड़ सके। अगर आपको शोल्डर पेन है आप उसे पकड़ सके, छोटी फिश पकड़ सके, अगर आपको नी पेन है दूसरी फिश पकड़ सके, तो ये अपॉर्चुनिटी आप पे है कि आपको रॉड से लेके आपको जाना है या आपको फिश लेके जानी। अगर आपको फिश लेके जानी है तो जैसे पहले फर्स्ट डे से हमने बताया, बुक में काफी फिशेज पड़ी हुई है, काफी फिश जो आपको कॉमन दे सकते हैं, वो फिश हमने बुक के माध्यम से आपके तक पहुंचा दिए। तो एक बुक ले लेंगे आप, किट ले लेंगे, आपको छोटी छोटी काफी फिश मिल जाएगी। अगर लेकिन आपको आपकी आपको जो तकलीफ है उसकी फिश पकड़नी है, आप मनचाही फिश पकड़ना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा आप फिशिंग रॉड ले। जैसे काफी जन ने सिलेक्ट किया कि हमको फिशिंग रॉड में इंटरेस्ट है ना कि फिश में इंटरेस्ट, तो ये काफी जन ने शेयर किया है। तो ये ऑल्टरनेट डेज इसके कोर्सेज होते हैं। अगर आपको फिशिंग रॉड चाहिए तो तकरीबन एक महीने का ऑल्टरनेट डेज कोर्स होंगे। यस, संजीव इज ऑल्सो सेइंग रॉड नॉट इन द फिश, थैंक यू संजीव। तो आप देखेंगे कि अगर फिशिंग आपको कुछ नॉमिनल फीस 6,000 रुपीज आप पे करके नॉमिनल फीस में आप फिशिंग रॉड ले सकते हैं। अगर आपको फिश चाहिए तो उसके लिए आप बुक और किट ले सकते हैं, तो आपको फिश मिलेगी, तो आपके ऊपर है फिश के। ये अगर आप किट लेंगे बुक लेंगे तो उसकी डिटेल्स भी हम ग्रुप पे शेयर कर दे रहे हैं और इसकी पेमेंट डिटेल्स भी हम ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। तो इसके साथ में अगर इस पे कुछ ही कुछ सवाल पूछना है, अगर आपको किसी को अगर और काफी जन को ऐसा रहेगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर मुझे इसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए सर ने हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है और नेक्स्ट मंडे से हमने एक छोटा फिशिंग रॉड आपके लिए लाए हैं। छोटा फिशिंग रॉड है जो 500 रुपीज में रहेगा, 499 का अगर आप पे करते हैं तो सर के साथ में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं तीन दिन, मंडे वेनसडे एंड मंडे वेनसडे फ्राइडे, ये मंडे से चालू हो रहा है। तो ये अगर जिनको टेस्ट लेना है छोटा फिशिंग रॉड, वो 499 रुपीज पे करें, और जिनको बड़ा फिशिंग रॉड लेना है ताकि काफी कुछ जानकारी कर सके, तो उनके लिए है प्राइस 599 और विद सर्टिफिकेट के लिए 1600 रुपीज एक्स्ट्रा भरना है, ये स्पेशल प्राइस है। तो इसकी सारी डिटेल्स हम ग्रुप में डालते हैं और इसी पे कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और
पर्सनल में अजीम के साथ में आपका नंबर शेयर करें, और कुछ डाउट्स वगैरह है तो आपके क्लेरिफाई किए जाएंगे। जिग्ना गोगरी, नेहा, शीतल एंड कमलप्रीत कौर। सो मैं चाहूंगा सभी जन को बड़ा फिशिंग रॉड मिले, और 50-40 मोर देन 40 पीपल, 45 पीपल, 50 पीपल आर देयर। अवर इंटेंशन इज दिस कोर्सेज आर वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, और उसके बावजूद किसी को पर्टिकुलर चैलेंज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव गॉट अदर सोर्सेज वी वांट फ्रॉम देयर। जिसी को रियल में चैलेंज है वो कांटेक्ट करे मुझे, तो वी विल वर्क आउट इफ इट इज पॉसिबल एंड विल कंसिडर केस बाई केस, दोज थिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल। और जिनको छोटी फिश ट्राई करनी है फिशिंग रॉड, उनके लिए है 499 पे, मंडे वेनेसडे फ्राइडे नेक्स्ट मंडे से चालू हो रहा है। जिनको वो भी हैंड अपना रेस करे, और जिनको 499 में इंटरेस्ट है वो भी वो अपना हैंड रेस करे, ताकि हम नोट कर लेंगे। यस, कामा सरकार इज जो लोग वन मंथ कोर्स में जा रहे हैं उनको ये वो डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। यस, मंडे वेनेसडे फ्राइडे इट विल बी। सो Kamna and Sanjeev, they are interested in that. Okay. So we'll so you can contact Azim, who is in the WhatsApp group. Jigna Gogri also is interested again. Amazing. Yes. And payment link bhi agar ye offer short period ke liye rahe, aur next course se fees bhi badh sakti hai, badhne wali hai. To और ये अभी जो course ho raha hai, complete course online rahega, ye bhi aapko comfortably aap kar sakte hain. तो नेक्स्ट उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो पेमेंट लिंक है इस ग्रुप में शेयर करिए, वहां पे पेमेंट करके आप इस सब का एडवांटेज ले। यस, एनी क्वेश्चंस आर देयर? आई वुड लाइक टू, तो अगर किसी को क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा फिशिंग रॉड के बारे में क्वेश्चन रेस करें। फिश के लिए तो काफी जन करते हैं, तो फिशिंग रॉड के लिए पूछे। यस संजीव, इट इज वन मंथ कोर्स, it will be 3 times a week, 1.5 days. It will be thrice a week in the evening, 9 to 10:30 late evening. So even if आप काम कर रहे हैं तो भी आप उसको finish करके आप attend कर सके। Even housewives है वो भी अपना काम खत्म करके comfortably adjust कर सके। तो हमने late time का रखा है 9 to 10:30। Yes, any other question? ये Kamna, yes, this course you will be able to take care of your lot of your, जैसे सर ने बताया हाथ पे कैसे है, तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, कुछ मैग्नेट्स वगैरह, कलर थेरेपी के बारे में भी और ज्यादा जानकारी देंगे, यूज कैसे करने है, शीट थेरेपी कैसे इस्तेमाल करना है, मैग्नेट्स भी कैसे लगाने हैं वो भी आपको बताया जाएगा। सो यस, इट विल बी 4.5 hours पर वीक एंड 4 weeks कोर्स। या so dates are not still declared, other course is going on, so someone who is really interested can we'll work it out, you ab thoda update karke aapko join karna hai to you already certain days are complete, if you are really interested or you can start from the next batch. Yes, any other question? Which Monday it is, from 5th of July or 12th? Yes, this 3-day course is starting from next Monday, that is from 13th actually. This 3-day course will start on 13th. 12th of 12th, not this one. This coming next to next Monday, that is 12th of July. And for the full 1 month course, dates will be declared in, we will be declaring other courses going on. So we'll declare that. It will be Tuesday, Thursday, Saturday. Same, and if you are paying the fee, then we can work out and upgrade you and join the same batch. And so you can repeat also. This facility is there for all of you who has done the course, can also repeat. Its knowledge is ek bar leke khatam nahi hoga. Aapko upgrade karte rehna hai, to he will not charge you anything for that. Aapko kuch bhi fees extra nahi pay karni hai. So that is also possible. Yes. Any Sanjeev, any question? If going joining for, can I attend 3 days course? Yes, of course you can join both of them also, Kamna Sarkar.
कौन सी ट्रीटमेंट इंक्लूड देन, 3 डे कोर्स में कौन सी ट्रीटमेंट इंक्लूड देन, विच बॉडी पार्ट, सी सी 399 इंटरेस्टेड, आपको आइडिया दिया जाएगा आज उसमें, और थोड़ा डिटेल में बनाएंगे, आपको छोटा फिशिंग रॉड दिया जाएगा क्या, ताकि आप फिश पकड़ के टेस्ट कर सके। हालांकि काफी जन ने ऑलरेडी टेस्ट किया है और बिगर ज्वाइन किए भी आपने देखा है कि कितना इफेक्टिव कोर्स है ये। जिग्ना गोगरी शेड के सी एस बेनिफिटेड जस्ट बाय अप्लाइंग द पेपर, जयलक्ष्मी सेठ के जस्ट अप्लाइंग कलर सीड सी एस बेनिफिटेड 30-40%, सो इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, नाउ इट इज अप टू यू, आपके हाथों में है क्या करना है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, सुहास इज सेइंग 499 इंटरेस्टेड, यस, सो हूएवर इज इंटरेस्टेड कैन मेक द पेमेंट ऑल्सो, पेमेंट लिंक इज शेयर्ड ऑन द ग्रुप। जिग्ना गोगरी, यस, यू कैन गो अहेड एंड मेक द पेमेंट, एंड हूएवर इज इंटरेस्टेड कैन yes, diabetes is also covered there in the, so that you can do it. Yes, any other question or sir will then, we are already by around 10 o'clock we'll be completing, so before that I'll hand it over to sir so he can add something. Yeah, yes, over to you sir. Hello, thank you Raj. Yeah. अभी जैसे क्वेश्चन, अभी डायबिटीज के लिए हम कर सकते हैं क्या इसको, तो ये जो आप सीखेंगे ये सुजोग का एक फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल है, इसके बाद में और आपको जैसे लगता है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो हम आगे बढ़ते जाए, जिसको प्रोफेशनली करना है, ये एक डॉक्टर के जैसे काम करना है किसी भी लेवल, तो उसके लिए और आगे बढ़ना है। लेकिन इस ये जो कोर्स है इसमें हम क्या करेंगे, कम से कम अपने घर से सब मेडिसिन जितनी कम होती है उतनी कम होती है। डायबिटीज के लिए थोड़ा एडवांस वाला ट्रीटमेंट है, तो ये ट्रीटमेंट को हम कंसल्ट करते हैं, हम आपको बता देते हैं, लेकिन उसका पूरा जो लॉजिक है, लॉजिक के साथ पूरा एडवांस का ट्रीटमेंट है, उसमें बहुत सारा डायबिटीज कैन बी ये होता है, कवर्ड होता है अपने इसमें। लेकिन और कौन सी भी बीमारी है, कौन सी भी, जहाँ डॉक्टर नहीं बोल रहे वो हो रहा है इसमें, लेकिन वो एडवांस नॉलेज है उसका, एक हर एक इसकी लिमिट होती है, एक स्टेप जब आप ये लेवल सीख रहे हैं तो इसकी एक लिमिट। लेकिन ये तो है कि घर के रूटीन में जो भी है, अभी बुखार आ गया तो क्या करना है, अभी जुलाब चालू है तो तुरंत जुलाब कैसे हम करते हैं, कैसे छल से उसी वक्त एक ट्रीटमेंट देते हो और जुलाब बंद हो जाता है। अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, अभी ब्लीडिंग हो रहा है, एक ट्रीटमेंट करते हो ब्लीडिंग रुक जाता है, तो जो कुछ अभी हो रहा है एक्यूट में, तो उसके लिए हम लोग ये जो आप सीखेंगे उसमें ये सीखेंगे कि झट से कोई भी एक्यूट कंडीशन को कैसे रोक दिया जाए घर में, तो ये सब मिलेगा अपने को। और रिकवरी के भी जो भी डिसीज है उसकी रिकवरी भी, अभी इसकी लिमिट क्या है, इसका थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, एडवांस वाली ट्रीटमेंट है वो ज्यादा फास्ट होगी ऐसे है, लेकिन ये जो एक्यूट वाली प्रॉब्लम है उसी वक्त आप उसको कवर कर सकते, तो ये जो रहेगा इसमें, जैसे अभी किसी ने पूछा मेरिडियंस के बारे में वगैरह, तो एक चर्चा होती है मेरिडियन के बारे में आगे आगे और बाकी लेवल्स होते हैं, लेकिन ये जो आप सीखते हैं उसमें भी बहुत सारा ये कवर होता है, कि आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार कुछ फायदा नहीं, ऐसे होता ही, अभी आपने देखा कि थोड़ा सा भी सीखा है तो भी आपको फायदा नहीं। और आप जो यूट्यूब चैनल है मेरा सुरेश सुजोग हेल्थ, वहां भी आप जाके विजिट करिए, सुरेश सुरेश सुजोग हेल्थ, उसको भी आप वहां जाके आप देखेंगे। प्रोफेसर पार्क ने जितना भी नॉलेज दिया है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ आपको उसके टेस्टिमोनियल्स भी देखेंगे। और अभी पूछ रहे हैं कोई सोर थ्रोट के, जो आपको अभी मालूम हो गया कि यहाँ अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है थ्रोट की प्रॉब्लम, यानी यहाँ, तो इस सोर थ्रोट के लिए आप यहाँ रेड कलर भी लगाते हो,
रेड कलर, सुरेश सुजोक हेल्थ, हेल्थ एच ई एल पी एच, सुरेश सुजोक हेल्थ, यूट्यूब पे आप देखेंगे सुरेश सुजोक हेल्थ। और मेरा जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो दादर में, अभी दादर का बंद है, खार में है, ट्रीटमेंट सेंटर भी है खार में, दादर का फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन ट्रीटमेंट सेंटर है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी हम कभी वहां बुलाते हैं, प्रैक्टिकली भी देख, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिखाता हूँ, तो प्रैक्टिकली भी आप उसमें देख सकते हो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब प्रैक्टिकली भी देखिए, तो आपको प्रैक्टिकल भी अटेंड करने को मिल रहा है। अभी सोर थ्रोट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे इस एरिया में, यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे इस एरिया सोर थ्रोट के लिए, कलर लगा रहे तो कलर क्या रहेगा, रेड कलर लगा है। अगर अंदर जलन हो रही है तो ब्लैक कलर लगा इधर। तो ये सब जो है लूज मोशन के लिए, लूज मोशन के लिए वैसे तो कलर या मैग्नेट, अब ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, आपने जो कलर ट्रीटमेंट में सीखा है थोड़ा लूज मोशन के लिए कैसे कलर करना है, कौन सी मेरिडियन, वहां मेरिडियन है ये क्या, डायरेक्टली मैं बुक के अंदर वो मेरिडियन बाकी कुछ चर्चा नहीं की है, सिर्फ यूज करने के लिए लिखा है, तो आप वो बुक में भी और आपने जो क्लास अटेंड किया उसमें से भी आपने देखा है कि सिर्फ कलर लगाए मेरिडियन के ऊपर और काम हो रहा है, लेकिन ये सब एडवांस की बातें है, मैंने बुक में जो दी है एडवांस की बातें, लोगों को उसका ऊपर कुछ ये नहीं एक्सप्लेनेशन वहां नहीं दिया है कि क्या काम ये कैसे कर, सिर्फ काम की चीज आपको बताई, तो ये बुक में आप देख सकते हो। तो अभी अभी अगर किसी को दूसरा कुछ कुछ पूछना है, इसमें एक हो रहा है इस ट्रीटमेंट का, सुजो ट्रीटमेंट का ये फायदा, दूसरा एक है कि ऑनलाइन हम किसी को ट्रीटमेंट बता रहे हैं ऑनलाइन, ये बहुत बड़ी बात है, अभी कोरोना वाले पेशेंट को भी हम ऑनलाइन बता रहे हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑनलाइन उनको बता रहे भाई यहाँ ये कलर लगा दो, यहाँ यहाँ इधर उधर क्या करना है, ये सब बता रहे हैं और पेशेंट खुद करते हैं, तो उनकी रिकवरी फास्ट होती है, कोरोना पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। तो ये आप जैसे लूज मोशन के लिए आपको कलर भी बता दिया गया, अभी लूज मोशन में आगे जाके आपको देखना पड़ेगा लूज मोशन कैसे है, कि एक फवारे के साथ लूज मोशन है उसको अलग कलर लगाना पड़ता है, कोई स्लोली लूज मोशन यानी ऐसे कुछ निकल रहा है पानी जैसे पाइप से कुछ लीकेज हो रहा है वैसे अगर हो रहा है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट अलग से कलर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ये ऐसे मैं बोलूं कि ये करो और आपको गलत हो जाए ऐसे नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा आपको ये इसके बारे में ये करना है। तो अभी जो एसिडिटी वगैरह ये सब ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट तभी के जब आप कर रहे हो ट्रीटमेंट उसी वक्त आ रहा, एसिडिटी के लिए कोई लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना नहीं है, बहुत सारी ट्रीटमेंट सुजोक में ऐसे है कि उसी वक्त आ रहा, जो फंक्शनिंग डिसऑर्डर जो रहते हैं, एसिडिटी फंक्शनिंग डिसऑर्डर है, तो फंक्शनिंग डिसऑर्डर जो भी है वो तुरंत आराम देते हैं उसी वक्त, और इसके लिए अगर हम प्रोफेशनली करते तो प्रॉब्लम आता है कि किसको हम क्या बोले, कितने दिन ट्रीटमेंट लेना है कैसे बोले, क्योंकि वो उसी दिन उसको आराम आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे हम आप 10 दिन ट्रीटमेंट ले, तो होता है ये प्रॉब्लम हमारे साथ होता है कि कोई ट्रीटमेंट ऐसी होती है एक दिन की ही होती है, एक दिन में उसका हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है उसी वक्त, तो फंक्शनिंग डिसऑर्डर उसी वक्त सॉल्व किए जाते हैं, जैसे लूज मोशन हो गया फंक्शनिंग डिसऑर्डर है उस, हाँ कुछ दूसरी प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट लगेगी, लेकिन फंक्शनिंग डिसऑर्डर को उसी वक्त अगर कुछ आप कलर लगा देते हो, मैंने अभी कलर डिटेल क्यों नहीं बता रहे कि आपको जो बताया गया वो मुझे अभी मालूम नहीं है, आपने कितना कुछ लिया है आपके क्लास में तो मुझे ये मालूम नहीं है, हाँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करें जैसे आपने कलर थेरेपी के बारे में जो सुना है, स्टिक मैग्नेट के बारे में सुना है, तो मैं अभी क्या सुना है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं राज जी से भी रिक्वेस्ट, वो ही आपको आगे आप जो पूछ रहे वो आपको बता देंगे, हाँ क्योंकि उन्होंने बताया आपको इस बारे में, तो आप उनको ये करो, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो उसी वक्त आराम करता है, ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम एसिडिटी से लेके उसके लिए कोई चूर्ण और काढ़े हमेशा महीना 2 महीना ऐसा लेने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है,
अभी ये बेनिफिट के बारे में पूछ रहे, इसके लिए भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक दिन का नहीं। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है, तो जो भी स्ट्रक्चरल डिसीज होगी उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन फंक्शनल डिसीज उसी वक्त जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए सीखना ये जरूरी क्या है कि जब भी अभी मुझे पेट में अभी दर्द हो रहा है, ये फंक्शनल अभी कुछ हो रहा है, तो मैंने कोई ट्रीटमेंट किया जड़ से बाहर ठीक होगी, यानी उसकी डिसीज नहीं बनेगी। हमेशा पेट में दर्द, हमेशा पेट में मैं गोली ले रहा हूँ, हमेशा दर्द हो रहा है गोली ले रहा हूँ, तो बाद में डिसीज बनेगा। तो ये करने की नौबत। इसके लिए अभी जिसको एसिडिटी है तो एसिडिटी के बारे में आपको बताया गया होगा, लूज मोशन है उसके बारे में बताया गया है। हाँ, तो वो आप देखो, अगर है तो आप चेस्ट से उसको ट्रीटमेंट करके आप वो एक्सपीरियंस ले सकते। ओके, और कुछ पूछना है? किसी भी प्रकार की बीमारी, मैंने ये बोला है कि यो आप देखेंगे कैंसर से लेके, मेरे पास कैंसर और किडनी जो पेशेंट किडनी डायलिसिस वाले, उनको हम फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट देते हैं, कैंसर वालों को भी फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। कैंसर में जिसके रेडिएशन और केमो वगैरह हो रहे हैं, उनको भी अपनी ट्रीटमेंट जब चालू होती है तो उनको जो उसके जो तकलीफ होती है साइड इफेक्ट, वो होते नहीं है, यानी वो आराम से रेडिएशन या केमो आराम से लेते हैं। इसके लिए हम लोग उसको फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आई साइट के लिए भी इसमें ट्रीटमेंट है, बेसिक में और बेसिक से एडवांस में ज्यादा डिटेल में ट्रीटमेंट। तो जब मेरा बेसिक वाला जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के लिए मैं एडवांस वाली ट्रीटमेंट, उसके लिए एडवांस वाली ट्रीटमेंट मैं उसको करता हूँ, उसको बता देता हूँ उसकी ट्रीटमेंट। लेकिन बाकी की ट्रीटमेंट जैसे आपको एडवांस सीखना पड़े या तो मेरे क्लिनिक में आना पड़े, लेकिन जब मुझसे आप जुड़ जाते हो तो आपके लिए, आपकी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से वो क्या है ट्रीटमेंट वो जान के आप खुद को ट्रीटमेंट कर सकते, क्योंकि एडवांस की ट्रीटमेंट है वो थोड़ा जानना पड़ता है। बेसिक में सब चीजें आप बेसिक में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक में ये जो बातें हैं डिसीज वाली, बहुत बड़ा कोई डिसीज है उसके लिए आपको एडवांस की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो ये अलग बात है। और कुछ पूछना है? और स्टूडेंट के लिए एडवांस की ट्रीटमेंट जो भी है, स्टूडेंट के लिए मेरे से एडवांस की ट्रीटमेंट मैं उसको बता देता हूँ, ये सब फ्री होता है उस वक्त, क्योंकि वो घर जाके खुद करता है स्टूडेंट। ये साइटिका पेन वगैरह ये सब बातें झट से जल्दी क्योर होती है, कोई पेनफुल डिसीज जितने भी है वो जल्दी उसी वक्त जब हम ट्रीटमेंट देते हैं वही उसी वक्त उसको आराम, यानी ठीक होने में देर लगेगा लेकिन उसका पेनिंग उसी वक्त रुक जाता है। पेन में आराम 50% से ऊपर, 60-70-80% उसी वक्त आ रहा है। तो और कुछ पूछना है? यूरिक एसिड के लिए भी थोड़ी एडवांस वाली ट्रीटमेंट कर, और हाँ ये राजी बताया गया आपको रिकॉर्डिंग का, सोरियासिस की भी एडवांस ट्रीटमेंट है, सोरियासिस के लिए आपको एडवांस ट्रीटमेंट करनी है। आप ये बेसिक वाले ट्रीटमेंट से सोरियासिस उतना कवर नहीं होता, तो कुछ जो डिसीज है जो क्रॉनिक कुछ सर यू आर म्यूटेड, सर यू आर म्यूटेड, सर आप म्यूट में है। स्किन के डिसीज कोई भी हो आराम होता है, एडवांस में पूरा डिटेल होता है। अभी बेसिक आप जब कर रहे हैं तो बेसिक में आप आराम दे सकते हो, ठीक होने में टाइम लगे बेसिक में। हेयर फॉल ये भी ट्रीटमेंट है, लेकिन बेसिक की एक लिमिट है, बेसिक के बाद एडवांस वाली जो ट्रीटमेंट है इसमें पूरा के पूरा, हमारे पास हेयर फॉल वाले आते हैं जब है तो दूसरे तीसरे दिन ही बताते हैं कि हेयर फॉल नहीं हो रहा, तो ये होता है, लेकिन उसके लिए बेसिक से कवर उतना नहीं है। आपको सीखना होगा या तो ट्रीटमेंट लेनी, लेकिन ये ट्रीटमेंट ऐसी है आप एडवांस की जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि आपको दवाई कुछ भी नहीं होती है, कौन सी भी दवाई, कोई भी ऑपरेशन को हम टाल सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन। सर
some people have asked for skin disease, eczema, psoriasis. So, I came in this because of psoriasis. मैं psoriasis की वजह से ही आया, otherwise मैं इसमें नहीं आने वाला था. और starting में मुझे भी question था कि ये कैसे होगा, कलर लगाने से थोड़ी कुछ ट्रीटमेंट होती है. सो कुछ था लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था और इसमें मैं आया. सो दैट्स हाउ आई केम इनटू इट. एंड इट जैसे जैसे फायदा पहले हुआ तो मैं फायदा हुआ तो मैं चलो इसमें फायदा हो रहा है तो इसको आगे सीखते हैं और करते गया, बिलीफ लेवल बढ़ते गया, नहीं ये काम कर रहा है. एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव. मैनी पीपल नो स्टोरी ऑफ माई फादर. Last 2 years of his life, so many issues, right from urine blockage, heart blockage, high BP, diabetes, hearing loss, sabhi kuch old age ki wajah se sabhi kuch the. Lekin most of you won't believe, last 2 saal life pe not a single visit to doctor, except last mein kuch din ICU mein the, otherwise no visit to the doctor. And top of that, on 7th August 2018, he was sinking and he asked me the time. What is the time? I said 9:30. And he was sinking. And peacefully in our home, he passed away at 10:15. So this sort of life is possible. Only oxygen was going on, nothing else. Khali oxygen chal raha tha, baki kuch bhi nahi. He was very comfortable. इवनिंग में 4:30 को बोले चाय पीनी है तो चाय पिलाए. कुड नॉट होल्ड हिज कप. ही वाज लेकिन ही वाज टोटली कॉन्शियस. टाइम पूछ रहे थे कि कितना बजा है तो वी सेड आई आस्क हिम हाउ आर यू. ही सेड आई एम फाइन, नो पेन, नथिंग एंड पीसफुली. सो दिस इज पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर सो मच अटैच विद दिस के इट कैन रियली चेंज एनीवनस लाइफ. सो दिस नो पेथी हैज गिवन. And this is amazing thing which Sujog has provided me and it has reached me through Dr. Suresh Jadhav. So I am attached with this. So many things people have told this, promote this, but the way I promote it and want other people to get it, nothing like it. So this is from the bottom of my heart, my wish that all of you do and get it. And आपके हाथ में है, आपको कितना लेना है ये तो खान है. अगर आप दरिया के पास, सी के पास जा रहे हो एक चम्मच लेके तो आपको उतना ही पानी मिलेगा. अगर आप बकेट लेके जा रहे हो तो उतना मिलेगा. वो समुद्र में तो अनलिमिटेड पानी है. सो इट इज लाइक डॉक्टर सुरेश यादव इज सी ऑफ नॉलेज. सो इट इज अप टू यू हाउ मच यू वॉन्ट. यू वॉन्ट एक कप ऑफ, एक स्पून और नॉट इवन ए ड्रॉप. So you have already started getting spoons and bowls. Some people who have tried, they are already getting it. और जो लोग खाली देख रहे हैं उनको खाली लग रहा रहेगा कि ये दूसरे कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे. लेकिन अब जब जम करेंगे तो आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा. It is not that I am special or other people who are getting it is special. They are just jumping it. So I'll invite all of you to jump in just. And आपको जितना लेना है उतना ले ले. This is what I would like to add. Yeah. हाँ. Yeah. और ये राज्य के बारे में जब मेरे को जब मिलने के लिए आए जब मेरे क्लिनिक पे तो उन्होंने उनके पहले लीच थेरेपी ली थी. लीच और yes. इनको पैर पे जिधर उधर ऐसे लीच ने जो कंडक्ट था जहाँ लीच लीच आपको मालूम है ना जो थेरेपी लीच हाँ yeah. जो रहती है कीड़ा रहता है वो लगा के उन्होंने पूरे पैर के ऊपर सभी जगह इतना डैमेज पैर था लीच जिधर जिधर ऐसे उड़ते उसके मर्सिडीज का लोगो आ जाता है जहां जहां ली जाती है तो जहां मर्सिडीज लोगो रहता है पैर पे. तो ये होता है उन्होंने ली थी और बाद में ये सूर्य से जुड़ गया. अभी इसका जो पब्लिसिटी अभी जिन्होंने बोला है कि इसकी ये स्प्रेड क्यों नहीं हुआ तो क्या हो रहा है अभी इसका सब बताने के लिए अपने को और टाइम जाएगा. मेरे को लगता है अभी 10 बजने आए लेकिन ये स्प्रेड नहीं हुआ इसके कुछ कारण है. एक तो है कि ये कोई दवा वाली बात नहीं है. अभी हम लोग तो बचपन यानी जन्म लेने के पहले दवा से हम लोग अवेयर हो जाते हैं. हमारी माँ हम जब घर में है तब से दवा हमारी शुरू है.
मेडिसिन इंडस्ट्री जो है इतनी हमारे ऊपर हावी है कि हम पहले तो बिलीव ही नहीं करते कि इससे कुछ इधर कुछ करते हैं और कुछ होगा कि बिलीव नहीं करते हमारे हुँ? और बिलीव करने के बाद अगर कुछ हो रहा है तो ऐसे लगता है ना होता है। अभी मेरे यहाँ 9 times आई एक्सपीरियंस द कोमा पेशेंट, वी हैव कम आउट ऑफ कोमा। वो महीना महीना जो लोग कोमा में है और डॉक्टर ने मुझे क्या किया, जाओ उनको लगता है इसके लिए आप जाके देखो, यानी महीना भर वो कोमा में है कुछ ये नहीं है, तो डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया। और अलाउ करने के बाद जब मैंने उसको ट्रीटमेंट दी है और उसी वक्त उसने आंखें खोली, अभी जब उसी वक्त उसने आंखें खोल रहा है पेशेंट, पहली बार मेरी लाइफ में हुआ तो मैं बहुत एक्साइट हुआ था कि ये कैसे हुआ। मुझे भी लगा बाय एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ, डॉक्टर भी बोले बाय एक्सीडेंट हुआ ही, ऐसे होता है कभी, लेकिन ये ऐसे 9 times ऐसे हो गए इंसिडेंट, तो इसका मतलब ये वर्क हो रहा है। लेकिन 9 times जब भी जिसी हॉस्पिटल में हुआ उसके मुझे हमेशा, और डॉक्टर ने मुझे दूसरे वक्त मना किया क्या कुछ मत करो, रोक दिया मुझे उसी वक्त, और पेशेंट के रिश्तेदार को बोला ऐसे कभी कभी होता है लेकिन उसको हम ये नहीं अलाउ नहीं कर रहे, हाँ कभी कुछ हुआ अभी हम जिम्मेदारी ये नहीं कर सकते, और हमेशा मुझे रोका। तो इसका स्प्रेड नहीं होता है, इसका कारण यह है कि हम नहीं कर, क्योंकि लोगों को एक तो मालूम नहीं है, दूसरी बात इसके जो भी सुजो थेरेपिस्ट इसमें है, सुजो थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी फीस देके सुजो सीखा है। तो क्या होता है उनके पास जब कोई पेशेंट आता है तो नेचुरली क्या करते हैं, एक तो पेशेंट नहीं है लोगों को मालूम नहीं है, फिर उसको अगर क्लिनिक चलाना है तो एक पेशेंट आया तो क्या करेगा, वो 100 rupees में थोड़ा काम करेगा, क्योंकि उसको भी सर्वाइव होना है, उसको भी लाइट बिल से लेके सब कुछ करना है, तो नेचुरली वो पैसा थोड़ा ज्यादा मांगेगा, क्योंकि पेशेंट ज्यादा नहीं है। अगर पेशेंट ज्यादा लाइन लगी है तो कम इसमें कम चार्जेस लेके पेशेंट को ट्रीट करेगा, लेकिन जहां लोगों को मालूम नहीं है तो क्या करेगा, उसके चार्जेस हाई रहेंगे। अभी हाई चार्जेस देके कभी कभी पेशेंट क्या करता है, 2-4 दिन की ट्रीटमेंट लेता है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते कि हफ्ता भर 2-4 दिन, 2 दिन में तो अच्छा लगता ही है अपने पास जो पेशेंट आते हैं, 2 दिन में अच्छा लगता है, उसको लगता है अभी बाकी के दिन में इतना पैसा देने से अच्छा है अभी ठीक है, वो ट्रीटमेंट को छोड़ देता है। और वो क्या करता है, अभी मैंने उसको 80% समझो ठीक किया है, 20% बाकी है, वो 20% के लिए ट्रीटमेंट नहीं लेता है, पैसा जाएगा तो पैसा बचाने के लिए वो क्या करता है, ट्रीटमेंट नहीं लेता है, और कोई इसको बताता है उधर जाओ उधर वो तेल मिलेगा और तेल से रगड़, और इधर जाओ उधर मालिश करके लो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, तो उसको लगता है वो रेट थोड़ा कम है, फिर वो उधर जाता है। ये सब बातें इसके बारे में ये सब है, और इसके लिए सुजोग स्प्रेड नहीं होता। सुजोग स्प्रेड ना होने के लिए जैसे हम सुजोग थेरेपिस्ट जिम्मेदार है, सुजोग थेरेपिस्ट भी क्यों जिम्मेदार है, तो उनका ये प्रॉब्लम है कि ज्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, पहले तो लोग बिलीव नहीं करते, लोग दवाई के ऊपर ही बिलीव करते हैं ज्यादा, ये होता है। तो आपको ये, मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसके लिए अभी कुछ पेशेंट मैं चैरिटी कर रहा हूँ कुछ पेशेंट के लिए, तो सब समझ में आता है कभी कभी, नहीं तो, और मैंने इतने साल इसमें गवाया है, अभी मेरे पास पेशेंट की कुछ ये नहीं है, मेरे को पेशेंट मेरे पास है, जो नए थेरेपिस्ट आते हैं उनको पेशेंट जल्दी नहीं मिलते हैं, अगर प्रोफेशनली करना है तो उनको कम, वो जो भी कर रहे दूसरा कोई काम कर रहे उसके साथ इसको जोड़ सकते, डायरेक्टली वो इसके ऊपर अपनी रोजी रोटी ब्रेड एंड बटर उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं, थोड़ा उसको पेशेंस रखना पड़ेगा 2-4 महीना जो भी है, और उसको भी हम क्या करते हैं उसको प्रोफेशनली अच्छा उसको सपोर्ट देने के लिए हम उसके लिए कैंप करते कैंप रखते, और कैंप रखने के बाद आजू बाजू के एरिया में सब मालूम होता है कि ऐसी थेरेपी है, फ्री ऑफ चार्ज रखते हैं 2-3 दिन का फ्री ऑफ चार्ज जब रखते हैं तो लोगों को मालूम हो जाता है, क्योंकि फ्री के लिए सब कुछ सभी जगह से आते हैं, तो हो जाता है फ्री ऑफ चार्ज में थोड़ा अवेयरनेस होता है। लेकिन ये सब बातें चल रही है, इसका जैसे चाहिए उतने पब्लिसिटी नहीं है, ये हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, उसके कारण बॉक्स था। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है, कुछ आपको पूछना भी है तो आप राज सर से भी बात कर सकते हैं, और मेरे से भी कुछ डाउट्स है तो बता सकते हो, बात कर सकते। हाँ, इसमें किसी भी तरह का, जो मैं पहले से बोलते आया हूँ, कौन सी भी बीमारी हो
बीमारी का नाम भी मालूम नहीं है तो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल की ये सब बातें। अभी बीमारी को नाम किसने दिया है? पैथी ने दिया है, कोई भी उपचार पद्धति ने नाम दिया है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी को नाम दिया है, उन्होंने दिया है। लेकिन हम एनर्जी लेवल पे देखेंगे कि क्या है कि फेफड़े के अंदर कुछ हो गया, तो फेफड़े के अंदर की एनर्जी को कुछ हो गया, फेफड़े के अंदर समझो टीबी के जो वायरस गए जो है जंतु गए, तो उसकी एक एनर्जी है। हाँ, वहां वो डैमेज कर रहे हैं, उसकी एक एनर्जी कोल्डनेस नाम की एनर्जी वहां पैदा हो रही है, तो कोल्डनेस बाद में कोल्डनेस को कैसे हटाना, उसके अपोजिट एनर्जी को हम यूज करें। इस तरह से हमें टीबी का नाम भी नहीं मालूम है, आगे जाके कोई अभी एक कोरोना वायरस आया, आगे जाके दूसरे दूसरे वायरस आते ही रहेंगे, बैक्टीरिया आते ही रहेंगे, आप कितने जन को पहचानने की कोशिश करेंगे। अभी भी मेरे अपने अंदर कितनी सारी बैक्टीरिया जा रही है, लेकिन हमारी इम्यून पावर से लड़ रही है। हाँ, और ये मेडिकल साइंस क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया वायरस उसको ढूंढ के, और रिसर्च चल रहा है उसके लिए चल रहा है, उसको ढूंढना है क्योंकि उसकी वैक्सीन बनती है, उसका सब कुछ बनता है और उसका धंधा बनता है। लेकिन ये गलत साइंस चल रहा है कि सिर्फ हर बात की वैक्सीन ढूंढेंगे और वैक्सीन हमारे गले में मारने। जैसे अभी देखो खर्चे में, अभी HIV पेशेंट कुछ बरस पहले HIV का इतना सब जैसे कोरोना का था वैसे HIV का बन गया, तब भी बॉडी प्लास्टिक में बांध के बॉडी दे रहे थे HIV, और HIV का पूरा मार्केट हो गया। अभी मार्केट होने के बाद क्या हो गया, HIV की टेस्ट कंपलसरी हो, तो अभी हमको बुखार है कुछ भी हो हॉस्पिटल में जाते हैं तो HIV टेस्ट का एक अपने को भरना ही पड़ता है। कुछ भी नहीं है फिर भी HIV छोटे बच्चों को लेके किसी को भी आप हॉस्पिटल में लेते हो तो HIV का कंपलसरी टेस्ट देना पड़ता है, तो फायदा किसका हुआ, वो कंपनी का फायदा है ना। ऐसे अलग अलग टेस्ट आपके हमारे गले में आने वाले हैं आगे जाके, तो ये ट्रीटमेंट में अपने को कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, हम वो एनर्जी को देख रहे हैं कि उसको एनर्जी क्या पैदा करे, उसमें खांसी पैदा करे तो खांसी पैदा करे, खांसी की एक एनर्जी है तो एनर्जी को हम कम करेंगे, वो खांसी किसके कारण ये नहीं देखेंगे। हमें जंतु को जर्म्स को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जंतु और जर्म्स एक करोड़ों एयर अपने अंदर जा रहे हैं और वे हमारी इम्यून सिस्टम का खाना है, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए वो तो खाना है, तो हम क्या कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को ही डाउन कर रहे। जब इटाली में इतने लोग मरे या जहां भी लोग मर रहे, कौन मर रहे, जिसके इम्यून सिस्टम डाउन है, जिसने सब टीके लगाए, वही लोग जल्दी उसके शिकार हो, और वही झोपड़पट्टी में जाके देखेंगे, रास्ते पे देखेंगे, भिखारी को देखेंगे, वो टीके नहीं लगाए तो मरने का रेशो किधर आ रहा है। आप इतना ही नहीं, आप देखो कि ये जो रेशो अभी भी हमें डराया जा रहा है, जैसे मैंने लंग पेशेंट के बारे में बोला, एक आंकड़ा उधर डाल दिया, बढ़ा दिया एक, तो इसके लिए अगर हम सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं तो इस तरह की अल्टरनेटिव पैथी ये काम आएगी, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट लैब टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा, आपकी फेरिंजाइटिस हो या लैरिंजाइटिस, कौन सी भी सोराइसिस हो, एक्जिमा, कौन सी भी तरह की डिसीज, स्किन डिसीज हो, बॉडी की कौन सी भी डिसीज, माइंड की डिसीज, माइंड में इसके अंदर हम 21 प्रकार के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको बाकी के कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो बताते हैं कि आपको गुस्सा कम करना है तो इधर पिलो को मारो, ये करो, वो करो, हाँ, कोई पूरा यादों को आपको दुख को ये करना है तो कुछ लिख लो और ब्रश आउट कर दो, ये मोटिवेशनल स्पीकर जो बता रहे हैं और कुछ पता नहीं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आपके एंगर को रोकने का इसमें ट्रीटमेंट है, ये बेसिक लेवल में नहीं है, आगे जाके माइंड बॉडी सोल में इसमें ट्रीटमेंट है एंगर को रोकने का, तो कैसे करेंगे, फियर को रोकना है तो कैसे करेंगे, रिलेशनशिप में क्या करेंगे। अभी मेरे घुटने में भी घुटने के माइंड के ऊपर जाके काम करना पड़ता है कभी, क्योंकि मेरा घुटना मेरे से एंग्री हुआ है, मेरे से गुस्सा कर रहा है घुटना, या तो घुटना मेरा दुख में है, मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो उसके इमोशन में जाके ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सब एडवांस में इसके लिए योग का ये ट्रीटमेंट इतना पावरफुल होता है, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं इसमें, तो सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं देख रहे, उसके माइंड को भी देख रहे हैं, उस पार्ट के माइंड को देख रहे हैं, पार्ट का भी माइंड है, पार्ट की भी एक सोल है, सोल की एनर्जी है, माइंड की एक एनर्जी है, उसके ऊपर इसमें काम। तो जब इसमें आप अगर आगे बढ़ते हो तो ये सब बातें इसमें ओके। तो आप देखो यहां रुक सकते हैं, कंक्लूड करें। यस
ओके, तो थैंक मैं यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू, वेरी नाइसली एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन. सो फॉर हियर आई वुड लाइक टू एंड द सेशन. बिफोर वी एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू से थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग हिज वंडरफुल नॉलेज, फॉर हिज कमिटमेंट. या सो शीतल हरने इज सेइंग थैंक यू. Then Suhas says, thank you very much, sir. Sudhir's iPod, very good session. Yes. Then Sonia is saying, thank you very much, Suresh sir and Raj sir. Yes. So, I will tell again, jinko fish chahiye, wo book kit le le. जिनको छोटा फिशिंग रॉड चाहिए और बड़ा फिशिंग रॉड, एंड इट्स अप टू यू. सो हाउ मच यू कैन गेट द गेट इट, एंड आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट द जर्नी. और ये आपका जो छोटा माइंड है वो करने नहीं देगा, जो आपकी जो सोच है जनरली वो बदलेगा, अरे क्या होगा, इससे नहीं होगा, एंड इट विल प्रिवेंट यू. पीपल अराउंड यू ऑल्सो इज गोइंग टू स्टॉप यू. सो पीपल अराउंड यू ऑल्सो इज गोइंग टू स्टॉप यू कि एक ऐसा होने वाला है, कंफर्ट जोन में रखेगा. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जम्प इन, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट गो अहेड विद इट. That's my request to you. And tomorrow we are coming with yoga and mudra session. And day after that, happiness, we will be covering that. So thank you all of you for being with us. And have a good, very amazing time. And I would like to, was asking, a confirmation call. How many of you have received the confirmation call? Just raise your hand. So we are experimenting with new things so that... people don't miss the session. Just raise your hand. आपको phone call कितने जन को आप मिला था कि ये session है आज का attend करने के लिए? Yes, Sheetal. Anyone else? Who else who got the call? Jigna. Yes, Kama, Sarkar, Praveen, Rehani. Yes, anyone? Other people have not got the call, or people are just. Yeah, I'll request to inform so that we can update ourselves. Yeah, any Charu Doshi, Jai Lakshmi Prabhu. Yeah, have you got the call? No call. Okay. We got WhatsApp message, which was good enough. Okay. Sudhir Pipod, no call. Okay, got it. Got the message, which was good enough. Okay, got it. So we will end here. We will meet tomorrow. And again, it will be fantastic session. Yeah. Thank you very much and bye-bye. And whoever is interested can contact Azim for more detail. And we can go and take this opportunity to enroll for the course and take advantage of Sir's knowledge and move forward in this healthy India. Thank you and bye-bye. Bye.